24 तारीख से लगातार महंगाई राहत कैंप कांग्रेस का शुरू है। ऐसे में हम आज जो कलेक्ट्रेट सर्किल पर महंगाई राहत कैंप लगा है, यहाँ हम मौजूद हैं। आप देखिए जो लोगों की भीड़ लगी और कूपन ख़त्म हो गए हैं, सुबह का ही टाइम है अभी। आप देखिए कि अभी 11:15 हुई है और अभी ही कूपन ख़त्म हो गए, इसके चलते लोग यहाँ हंगामा भी कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कुछ लोग वहाँ। क्या होप है आपका? 3 दिन से मैं आ रही हूँ, 3 दिन में अब जाके मेरे को कूपन मिला है। और पब्लिक क्या है, खड़ी हो जाती है, वो कहते हैं शांति से करो, व्यवस्था उनकी सही है, पर पब्लिक नहीं करने दे रही है उनको। आप भी आए? हाँ सर, 3 दिन हो गए मुझे तो, अभी तक कूपन नहीं मिला। और तो दिन भर गर्मी पड़ रही है, कोई प्यास है, कोई कहना ना खाना खाया ना क्या। 8 बजे आते हैं और भीड़ भाड़ में दिक्कत है। ऐसे तो सरकार का सिस्टम बेकार है। आप देखिए स्थिति है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। 3 दिन हो गया, हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम गरीब आदमी, हमें छोटे छोटे मिल रहे थे, हमारे कुछ भी नहीं, राशन कुछ भी नहीं है। कल भी ना हम 8 बजे से आए, जो नुके के 50 बढ़ चुके हैं, और 50 बढ़ने के बाद में हम ना शाम को आएंगे। नुकेरा के शाम को लंबर आएगा, जो कब तक बैठे रहेंगे भूखे प्यासे हम। फिर आज आए हम 8-9 बजे, तो आज भी ये टाइम हो गया, रोका नहीं बढ़ पा रहा कोई। सुबह कुछ भी खा के नहीं आया। अब देखो हम बेच रही थी, हमारे कुछ भी नहीं खाने, दड़प नहीं है हमारे को। तुमने गए चूल्हे पर रोटी बनाए थे, हम तो इतना मोड़ा थे, हम तो क्या करें, हम बहुत परेशान रह रही है। हमारे को तो गरीब का नहीं देखते हमारे को, मैं घर में बाहर कुछ भी नहीं है, हमारे बात कुछ भी नहीं भाई। 4 रोज हो गए धक्का दे रहे हैं, 5,000 और क्या कर रहे हैं, भूखा मर रहे थे, जो रोटी भी नहीं खा। तो ये कांग्रेस का महंगाई रात कैंप है जो कलेक्ट्रेट सर्किल पे लगा हुआ है। आप देखिए इसमें 2 दिन पहले जब कैंप लगा था, उसी दिन शाम को इसमें हंगामा भी हुआ। पुलिस का जाप्ता लगा के काफी समझाइश के बाद मामला कंट्रोल में आया। उसके बाद देखिए आज सुबह का समय और अभी से कूपन खत्म हो गए। लोग कह रहे हैं कि धूप में आते हैं, कब तक खड़े रहे, कूपन खत्म हो गए। तो किस तरह से आप भी आए? टोकन नहीं मिला हमारे को, 3-4 दिन से आ रहे हम लोग। यहाँ पे जो पूरा जो अधिकारी है और जो स्टाफ है, उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है, किसके चलते। अभी सुबह आप देखिए जो पूरा पुलिस का जाप्ता यहाँ लगाया हुआ है, पूरे पुलिस के साथ हम जहाँ के सुबह 8 बजे बैठे हुए हैं। हम सुबह 8 बजे अभी तक कूपन नहीं बांट रहे हैं, बिठा रखा है लोग बाबू को और कह रहे हैं कूपन खत्म हो गए, 50 कूपन नहीं बांटे अभी तक। आगे वाले वो दे रहे, पीछे वाले को नहीं दे रहे। अब पुलिस बना के भेज रहे हैं ये लोग। लोगों में काफी आक्रोश है, जो अधिकारी है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ कि क्या समस्या है, उसके चलते ये दिक्कत हो रही है। हम बात करेंगे उनसे। जाओ आप सर, क्या दिक्कत है, किस तरह से भाई लोग सर, लोग ज्यादा है। कूपन तो जितने दिन भर काम होता है ना, उतने बांट पाते हैं। अब कूपन सबको जारी कर दिए, कल के 50 कूपन और रह गए क्योंकि मौसम खराब हो गया, नेट चलना बंद हो गया। ये कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन से आ रहे हैं, फिर भी आ तो रही सभी आए, पर सर क्या करें, अब लाइन से बांट देते हैं। अब जिसको मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। पचास ही कूपन दिन भर 200 कूपन बांटते हैं। ये कह रहे हैं अभी 50। आप यहाँ जो कह रहे हो यहाँ बैठा दो मेरे पास, शाम को कितने कूपन इकट्ठे होते हैं मैं बता दूंगा आपको, फिर और क्या बताऊँ मैं। लोगों को घोषणा है, सरकार कभी बेवकूफ बना रहे हैं, अपने अपने को कूपन दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को कूपन दे रहे हैं बुला बुला के। ये सरकार बेवकूफ बना रही है। सुबह 7 बजे के बैठे हैं, सुबह 7 बजे के बैठे हैं। बिल्कुल लगाया गया काफी मात्रा में, नहीं नहीं अब ये टोकन का किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है वो है, बाकी 2 महीने के लिए। स्थिति है लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है, लोग काफी नाराज है कि जो अपने इनके आते हैं उनको ये कूपन बांटते हैं चुपचाप, और अभी तक 85 कूपन बटे हैं। और ये जो कैंप के जो अधिकारी है उनका कहना है कि 200 कूपन हम रोज बांटते हैं, जितना काम हो सकता है उतना ही। पर जो पब्लिक है इनका आरोप है कि 4 दिन से लगातार हम आ रहे हैं, लगातार 4 दिन से अभी तक कूपन में कोई हमारा नंबर नहीं आया, इसके चलते और भी यहाँ लोग हैं, और भी लोग बैठे हैं। हम यहाँ पर 3-4 दिन की नागा हो रही है बेरोजगार आदमी, हम 3-5 दिन की नागा सही नहीं इनकी, 500 रुपए की नागा कौन करेगा, सही नहीं इनकी व्यवस्था, सही नहीं बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं इनकी। कैंप 200 4 दिन में भी हो गया था साहब,
अशोक गहलोत जी या मोदी जी तो वहाँ बैठा था आराम से, और देखो छोटी मोटी बूढ़ी टेरी गहलोत जी, तो मैं तो बहुत परेशान हो रहा था, भूखा तसा। व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल भी व्यवस्था सही नहीं है। काम कर रहे हैं अच्छी तरह कर रहे हैं, मगर इनकी व्यवस्था सही नहीं है। इनको लाइन बनाना चाहिए, प्रशासन सही है, और जो भी नेतागिरी में है जो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय कैंप है जिसमें देखिए आप लगातार लोगों की नाराजगी दिख रही है। आप देखिए जो लोग हैं उनमें इनका कहीं का आरोप है कि पुलिस भी धक्के मार रही है। हाँ, ये धक्का दे रही थी पुलिस और हाँ गरीबा के लिए लगाए तो सेवर के लगा रहे जेल भेज लगाए थे सेवर। इनका आरोप है कि हम चार दिन से लगातार अपना सारा काम छोड़कर यहाँ जब राहत शिविर कैंप में योजनाओं का लाभ लेने आए मुख्यमंत्री जी का, तो यहाँ पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं। ऐसे में लाभ लेने आए या जेल में डालोगे आप हमें, इस तरह धक्का मार के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और लगातार इस शिविर में जब जिस दिन से लगा है हर जगह लोगों का, जब से ये कैंप लगा है तब से ही यहाँ हंगामा होता है रोज। आप देखिए जिधर देखेंगे आप पूरी भीड़ है जगह जगह। इधर जो ये टेंट की व्यवस्था की गई है उसमें लोग बैठे हैं, उसके अलावा जो बाहर लोगों में हंगामा है यहीं लोग जो लाइनों में धूप में आप देखिए इस तरह से यहाँ बैठ गए हैं। लोग बैठ गए हैं, पुलिस का यहाँ जाब्ता लगाया हुआ है, पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ तैनात किया गया। देखिए अब पुलिस भी समझा रही है लोगों को, और जो ये पूरा बंद कर दिया गया है अभी, जो कह रहे हैं कि कूपन खत्म हो गए हैं इसके चलते लोग यहीं देखिए आप बैठ गए हैं कि जब तक नहीं देंगे। चार दिन से हम लगातार अपनी राहत शिविर कैंप में चार दिन से सारा काम छोड़कर हम आए हैं, और हमारी मांगनी उठाई जा रही है राजस्थान तक के लिए। कोटा से चेतन।